नमस्कार मेरे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपने आप लोगों में कोरोना का डर भी कम हो गया होगा, क्योंकि लॉकडाउन फर्स्ट ओपन हो चुका है, ज़्यादातर मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा पार्ट वन देखा होगा आपने, उम्मीद है पसंद आया होगा। आपके जो कमेंट्स थे, आपने चैट में जो डाली, उससे अच्छा लगा, आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो पार्ट वन में हम लोगों ने वाइटल साइंस के बारे में पढ़ा था, कार्डिनल साइन के बारे में पढ़ा था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी। फीवर क्या है, उसके फेजेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। एक क्राइसिस में भी दोनों चीज़ें देखी हम लोगों ने, ट्रू क्राइसिस क्या होता है एंड फॉल्स क्राइसिस क्या होता है, वो चीज़ें भी हम लोगों ने देखी। क्वेश्चंस जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर 2016 में पूछा गया था ट्रू क्राइसिस के बारे में, वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए, वो आप पार्ट वन देखेंगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज मैं आप पार्ट टू लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग एक बार उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, और कमेंट जरूर करें। जो भी चीज़ आप लोगों को सजेशंस के लिए आप मोस्ट वेलकम है, जो भी आप सजेशंस आपको लगता है वो एक बार सजेशन ज़रूर डालें अपने चैट के माध्यम से। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। वाइटल साइन पार्ट टू है ये, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीवर। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फीवर में 7 टाइप के फीवर्स बताऊंगा, और फीवर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी डिजीज़ में कौन सा फीवर होगा। इजीली अब आप लोगों को पहले कन्फ्यूजन होता है टाइफोइड में कौन सा फीवर होता है, ट्यूबरक्लोसिस में किस टाइप का फीवर देखने को मिलेगा। तो आज सारे आपके डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपके जो भी कोई डाउट्स रह जाते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द फीवर। तो मेनली फीवर जो होता है वो 7 टाइप्स का होता है, सारे टाइप्स देखेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो सबसे फर्स्ट होता है आपका कंटिन्यूस फीवर या कॉन्स्टेंट फीवर की मैं बात करूँ आप लोगों से। कंटिन्यूस फीवर या फिर कॉन्स्टेंट फीवर, बोथ आर सेम थिंग्स, दोनों सेम थिंग है। इसमें क्या होता है, मेनली आप लोगों को ये देखना है कि मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग में और इवनिंग में, मॉर्निंग का टाइमिंग आपका 12 o'clock तक हाइएस्ट टेम्परेचर कितना रहा है उसका हमें देखना है, और इवनिंग में आफ्टर 4 o'clock आपका जो हाइएस्ट टेम्परेचर आप लोगों ने मेजर किया है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसके आधार पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट हम कंटिन्यूअस या कॉन्स्टेंट फीवर की बात कर रहे थे कि बॉडी टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल टू मैक्सिमम। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको बताया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अब यहाँ से टेम्परेचर आपका राइज होगा मैक्सिमम लेवल तक, नॉर्मल टू मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल आपका 1.5 तक जा सकता है इसमें। तो ये कंडीशन आपकी कहाँ होगी कि बॉडी टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से स्टार्ट होकर के आपका पीक तक जाता है उसमें, ठीक है। मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर आपका 1.5 तक पहुंच सकता है, 1.4 तक जा सकता है। इस कंडीशन में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग कि डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट मॉर्निंग, हाइएस्ट मॉर्निंग जैसे अभी बात की मैंने कि मॉर्निंग में 12 o'clock तक आपका मैक्सिमम सुबह का टेम्परेचर हाइएस्ट क्या रहा है उसके बीच में, और लोवेस्ट हाई इवनिंग टेम्परेचर इन द इन दोनों के बीच में, इवनिंग में जो हाईएस्ट रहा है और मॉर्निंग का जो हाईएस्ट रहा है उसके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो आपका लेस देन 2 degree centigrade, 2 degree Celsius का अगर उसमें डिफरेंस आता है, 2 degree Celsius का डिफरेंस अगर उसमें आता है, ये कंडीशन कहलाएगी आपकी कंटिन्यूस फीवर। देखते क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि अगर आपका मॉर्निंग का हाईएस्ट टेम्परेचर और इवनिंग का हाईएस्ट टेम्परेचर दोनों का अगर डिफरेंस लेस देन 2 degree Celsius आ रहा है, देन वो फीवर होगा आपका कंटिन्यूस फीवर या कॉन्स्टेंट फीवर। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कौन कौन सी, अब बात आती है डिजीज कंडीशन कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में आपको कंटिन्यूस फीवर या कॉन्स्टेंट फीवर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट में बात करूं आपका जो टाइफस फीवर होता है, टाइफस उसमें डेंगू में आपको ये देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, और फंगल डिजीज की, जो भी सारी फंगल डिजीज है आपकी उनमें जो फीवर आपको देखने को मिलेगा वो फीवर कौन सा देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस या कॉन्स्टेंट फीवर। तो पहला क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया आप लोगों का कि कॉन्स्टेंट फीवर या कॉन्स्टिन्यूस फीवर क्या होता है, दोनों के मैक्सिमम के मॉर्निंग और मैक्सिमम इवनिंग के बीच में डिफरेंस कितना, लेस देन 2 degree Celsius, राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसके डिजीज कंडीशन में हो रहा है, ये भी चीज़ क्लियर होगी, टाइफस में, डेंगू में, मेनिनजाइटिस और फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में आपको कॉन्टिन्यूस या कॉन्स्टेंट फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर क्या होता है, इसमें जस्ट उसके अपोजिट आप देखेंगे। इस कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम नॉर्मल टू सब नॉर्मल टू हाई, नॉर्मल और सब नॉर्मल, व्हाट इज सब नॉर्मल, अगर आपका 95 से 90
8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर कहलाता है आपका सब नॉर्मल टेम्परेचर। 95 से लेकर के 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो कहलाएगा सब नॉर्मल टेम्परेचर। तो आपका अगर 98.6 से इंक्रीज होकर के मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रहा है या 95 से 105 तक जा रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी रेमिटेंट फीवर की कंडीशन कहलाएगी। या तो बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल से मैक्सिमम की तरफ या नॉर्मल से मैक्सिमम की तरफ, एटलीस्ट जाना आपका मैक्सिमम लेवल पे है। इस कंडीशन में डिफरेंस जो आएगा बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग हाईएस्ट, इसमें कितना डिफरेंस आएगा, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। किस कंडीशन में आपका रहेगा, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो वो कहलाएगा आपका रेमिटेंट फीवर। अब बात आती है एग्जांपल की कि किस डिजीज कंडीशन में आपको रेमिटेंट फीवर देखने को मिलता है, तो मैं बात करूं इसमें आपका इसमें इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन और टाइफाइड की कंडीशन में। इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस लेयर्स हैं आपकी हार्ट की, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसका वो कहलाता है आपका रेमिटेंट फीवर की कंडीशन। तो टाइफाइड और इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में कौन सा फीवर देखने को मिलेगा, रेमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड तीसरा टाइप आ गया आपका, ये सेकेंड हम लोगों ने फर्स्ट देख लिया दोनों। थर्ड आपका हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग करता हुआ फीवर, स्विंग करना है? स्विमिंग करते हैं हम लोग ऊपर कभी नीचे पानी के बीच से ना, उसका स्विमिंग फीवर या हेक्टिक फीवर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग हाइएस्ट इज मोर देन वेरी हाई 5 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ध्यान रखिएगा ये 75 नहीं है, ये आपका मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट, वेरी हाई डिफरेंस होता है। मॉर्निंग का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो आपका होगा 100 डिग्री सेल्सियस एंड आपका जो इवनिंग का टेम्परेचर होगा उसमें हाईएस्ट का होगा तो 5 डिग्री इसमें सेल्सियस का अंतर होता है। ये की पॉइंट है इसका कि अगर मॉर्निंग और इवनिंग का हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस अगर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो वो कहलाएगा आपका हेक्टिक फीवर। किस किस डिजीज कंडीशन में आपको हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग फीवर देखने को मिलता है, तो मैं बात करूं ट्यूबरक्लोसिस में आपको हेक्टिक फीवर देखने को, हम कहते हैं कि नाइट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसमें, ट्यूबरक्लोसिस में, नाइट स्वेटिंग होती है। नाइट स्वेटिंग क्यों होती है कि रेप्लिकेशन करता है आपका जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है डेमे रेस्ट करता है और नाइट में क्या करता है ब्लड में रेप्लिकेशन करता है और रेप्लिकेशन की वजह से मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाती है और आपको स्वेटिंग होने लगती है। तो वो यही है आपका ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा एक्टिव या स्विंगिंग फीवर देखने को मिलेगा। एक्यूट गैस्ट्रो एंट्राइटिस की कंडीशन में, गैस्ट्रो एंट्राइटिस गैस्ट्रिक जो लेयर्स है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए आपका जीआई सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाएगा एक्यूट इन्फेक्शन तो आपको हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर देखने को मिलेगा। न्यूमोकोकस न्यूमोनिया की कंडीशन में, न्यूमोकोकल आपका जो डिजीज है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया की कंडीशन में, न्यूमोकोकल से जो आपकी न्यूमोनिया हो रहा है तो उस कंडीशन में न्यूमोनिया कई टाइप का होता है, स्पेशली इसमें जो आपका न्यूमोकोकल न्यूमोनिया होगा उसमें जो फीवर आएगा वो हेक्टिक स्विंगिंग फीवर कहलाता है। नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट फीवर या क्वोटिडियन फीवर की बात करते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट या क्वोटिडियन फीवर की हम लोग बात करते हैं कि इंटरमीडिएट फीवर क्या है आपका या क्वोटिडियन फीवर क्या है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, राइट। तो इंटरमीडिएट फीवर या क्वोटिडियन फीवर की हम लोग बात करते हैं। इन दिस देयर इज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टू मैक्सिमम, नॉर्मल से बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम की तरफ होगा इस कंडीशन में। हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द इवनिंग, किस कंडीशन में, बिग मैन कंडीशन है, हाईएस्ट जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा। लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम आ रहा है और इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो वो फीवर कौन सा कहलाएगा आपका, वो फीवर क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट या क्वोटिडियन फीवर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इंटरमीडिएट या क्वोटिडियन में, बोथ आर सेम थिंग। अगर आपका मॉर्निंग का टेम्परेचर कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान करूँ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है आपका और इवनिंग में आपका टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो फीवर कौन सा कहलाएगा आपका, इंटरमीडिएट फीवर या क्वोटिडियन फीवर कहलाएगा, राइट। लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग में ज़्यादा होगा मॉर्निंग में कम होगा। किस डिजीज कंडीशन में आपको इंटरमीडिएट या क्वोटिडियन फीवर देखने को मिलेगा, मलेरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, सेप्टिसीमिया अगर सेप्टिसीमिया हो जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा, मेनिंजोकोकल कोकेमिया, मेनिंजोकोकेमिया की कंडीशन में आपको कौन सा फीवर देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट या क्वोटिडियन फीवर देखने को मिलेगा। काला आजार की कंडीशन में एब्स्टीन बार वायरस का अगर इन्फेक्शन रेट बाइट की बात करूं अगर मैं
रेड वाइट आपको अगर होगा, एप्स्टीन बार वायरस की कंडीशन होगी, अगर आपका इन्फेक्शन होगा तो आपको इंटरमीटेंट फीवर या क्विटिडियन फीवर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक स्थिति क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करूँ मैं इन्वर्स फीवर की। इन्वर्स फीवर आपको कब देखने को मिलेगा? इन्वर्स फीवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल टू मैक्सिमम, ये सब में चलेगा, नॉर्मल से मैक्सिमम जाएगा वही फीवर कहलाएगा, सीधी सी बात है। अगर बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज नोन एज फीवर की कंडीशन जानी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर उसके फीवर से ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट या क्विटिडियन फीवर और आपका इन्वर्स फीवर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तो आपने याद कर लिया तो दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिसमें क्या था, आपका मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था, इवनिंग में ज़्यादा मिल रहा था। इंटरमीडिएट फीवर में इसमें जस्ट इन्वर्स सिस्टम होगा, आपको मॉर्निंग में ज़्यादा टेम्परेचर, लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन इवनिंग एंड हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग, ये इसका की पॉइंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। अपोजिट है राइट, इन्वर्स है। इन्वर्स में एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट मॉर्निंग में, लोवेस्ट इवनिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये की पॉइंट पकड़ के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे रिलैप्सिंग फीवर की। बात करूं अगर नेक्स्ट आपका फीवर होगा रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है राइट, रिलैप्सिंग फीवर की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या है, रिलैप्स कर रहा है कि फीवर रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम, यानी एक से तीन हवर के लिए आपका फीवर रहेगा एंड आफ्टर दैट बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल फॉर 8 to 4 days, यानी 4 to 8 days के लिए आपका क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा आपका। ठीक है, शुरुआती कंडीशन में क्या रहेगा आपका, इस कंडीशन में ये आपकी बात कर रहे हैं रिलैप्सिंग फीवर की, कि आपका क्या है फीवर रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम के लिए रिमेनिंग रहता है, एक से तीन आवर के लिए फीवर आया उसके बाद सबसाइड हो गया, पेशेंट ठीक है 4 to 6 days के लिए नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर रिपीट होकर के फीवर फिर आ जाएगा, तो वो कंडीशन कह रहा है कि आपकी अगर ये रिलैप्सिंग फीवर रिलैप्स कर रहा है ऊपर नीचे। अब इरेगुलर फीवर क्या, ये इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस कंडीशन में, इसकी कौन से वाली फीवर की, रिलैप्सिंग फीवर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो किस डिजीज कंडीशन में आपको रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलेगा? तो रिलैप्सिंग फीवर आपका देखने को मिलेगा बोरेलिया इन्फेक्शन की कंडीशन में। बोरेलिया, अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि इन द बोरेलिया इन्फेक्शन विच टाइप ऑफ फीवर मैं भी सिंह कौन सा फीवर देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपका रिलैप्सिंग फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं फीवर की, तो वो इरेगुलर फीवर, इससे में अगर इस जो हम लोगों ने 6 पढ़े टाइप्स, उसमें अगर किसी भी कैटेगरी में आपका नहीं आ रहा है तो वो जाना जाएगा इरेगुलर फीवर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, देखिए दिस टाइप ऑफ फीवर कैन नॉट क्लासिफाइड एनी कैटेगरी, इसको किसी भी जो ऑल कैटेगरी फीवर जब मर्जी आए तब आ गया, उसके बाद चला गया, उसके बाद फिर फीवर आ गया, फिर सबसाइड हो गया, अगर इसको किसी भी कैटेगरी में अगर डिवाइड आप नहीं कर सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते, वो कहलाएगा आपका इरेगुलर फीवर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो ये सारी की थी आपकी स्टेजेज ऑफ फीवर, हम लोगों ने देख ली इसकी। अब सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की मैं बात करूं, अभी आपसे बोला था मैंने कि 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला कहलाता है सब नॉर्मल टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया कौन सा कहलाएगा, अगर आपका लेस देन 95 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो वो कंडीशन आपकी हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। सब नॉर्मल की कंडीशन क्या जाएगी, 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट इज द सब नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता। तो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट सब नॉर्मल, हाइपोथर्मिया लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फीवर मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी फीवर की कंडीशन कहलाएगी। अब हम जानते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हमने अभी डिस्कस किया कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपका टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाएगी। अब हाइपोथर्मिया कितने टाइप का होता है ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसके 3 टाइप होते हैं हाइपोथर्मिया के, जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपरथर्मिया। जैसे कि हाइड्रेशन, हम लोगों ने देखा डिहाइड्रेशन, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, उसी तरह से सीवियर डिहाइड्रेशन। तो माइल्ड सबसे पहले हाइपोथर्मिया, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर है बॉडी का तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाइपोथर्मिया की कंडीशन। इसमें माइल्ड की अगर हम बात करें तो 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है तो वो कहलाएगा माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट की अगर बात करें तो 86 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर है, 90 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट वो कंडीशन मॉडरेट की कंडीशन कहलाएगी। और अगर सीवियर की मैं बात करूँ आपसे तो सीवियर की कंडीशन लेस देन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर आपका जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन।
अब पायरेक्सिया की बात कर लें कि पायरेक्सिया क्या होता है, कि मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर आपका है तो वो कंडीशन पायरेक्सिया की कंडीशन कहलाती है। पायरेक्सिया कितने टाइप का होता है? सेम हाइपोथर्मिया की तरह ये भी तीन टाइप का होता है आपका, सबसे लो पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया एंड मॉडरेट पायरेक्सिया। अगर हम लो पायरेक्सिया की बात करें तो लो पायरेक्सिया में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन है, बॉडी का टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी लो पायरेक्सिया की कंडीशन। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो कंडीशन कहलाएगी मॉडरेट पायरेक्सिया की कंडीशन। अब बात करें हाई पायरेक्सिया क्या कहलाएगा, हाई पायरेक्सिया आपका 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर है बॉडी का, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाई पायरेक्सिया की कंडीशन। तो हाइपोथर्मिया और पायरेक्सिया दोनों समझ में आए कितने टाइप का होता है, दोनों बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। अब बात आती है आपकी हाइपर पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है वो कंडीशन कहलाएगी हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन। अगर मैं हाइपरथर्मिया की बात करूं आप लोगों से, तो अगर 105 एंड मोर देन 105 ये कंडीशन, 105 ये इंक्लूडेड है इसमें, जबकि हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन में 105 इंक्लूडेड नहीं है। एक कंडीशन सिर्फ एक ही है कि यहाँ 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन कहलाएगी हाइपरथर्मिया की कंडीशन। 105 हो या मोर देन 105 हो कंडीशन, वो कंडीशन कहलाएगी हाइपरथर्मिया की कंडीशन। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। आपको दो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट। आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको दे रखा है उसने, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं सिंपल फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट में जो दे रखा है आपको -32 क्लियर है इंटू 5/9, छोटी ऊपर है बड़ी नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस कम होता है आपका फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, तो डिग्री सेल्सियस में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी वैल्यू आपको नीचे रखनी है, छोटी आपको ऊपर रखनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मानिएगा कि मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस, अब मैं आपको कन्वर्ट करूँगा कि 32 आपको फ़ारेनहाइट है, 32 फ़ारेनहाइट को मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा फ़ारेनहाइट कितना मेरे पास में 32 माइनस मुझे 32 करना है इंटू 5/9, सिंपल में फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। 32 में से 32 माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा तो 0 ही आता है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, सीधी सी बात है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब सेकेंड में एग्जाम्पल की बात करूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट होगा। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग कि फ़ारेनहाइट आपको डिग्री सेल्सियस को, तो इसको 10 अपोजिट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसको 9/5 को आप इसे उठा लीजिए कि फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको डिग्री सेल्सियस को, 9/5 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमने F-32 किया था, यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका हो जाएगा +32 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में यहाँ काउंट कर लीजिए इसको और +32 आप इसको कर दीजिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला आपका कुछ नहीं कि 9/5 इंटू सी +32, बस इतना सा फॉर्मूला। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि 40 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है, तो 9/5 इंटू 40 +32 करना है इधर, तो इसे काट लीजिए 8 टाइम्स जाएगा, 9/8 72 +32 उसमें ऐड कर लीजिएगा कितना आएगा, 104 जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपसे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसमें फ़ारेनहाइट में, तो क्या आएगा, -40 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। -40 डिग्री को मेरे को, -40 डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो कितना जाएगा देखिएगा कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो 9/5 इंटू सेल्सियस कितना है, -40 है +32, ये अप्लाई करते हैं हम लोग, इसकी आप काट लीजिएगा 8 टाइम्स आएगा, राइट, हाँ 8 टाइम्स, तो 9 यहाँ 72 आ जाएगा आपका माइनस का 72 +32 जाएगा, माइनस के 72 में से आप +32 माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ऑफकोर्स क्लियर है। तो ये आप इस तरह से इसको कन्वर्जन कर सकते हैं कि डिफरेंस यूज्ड टू द थर्मोमीटर,
अब इसको डिसइंफेक्टेंट भी आपको करना होगा। किसको? थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं आप लोग। कैसे डिसइंफेक्टेंट करेंगे आप उसको? कैसे डिसइंफेक्टेंट करेंगे कि आपके उसको, ये आपने देखा होगा थर्मामीटर के दो पार्ट होते हैं, ये आपका हो गया बल्ब हो गया, ठीक है, और ये इसका स्टेम हो गया। तो जब भी आपको ध्यान रखिएगा, क्लियर कट इसमें लिखा गया है कि बिफोर यूजिंग थर्मोमीटर क्लीन फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। जब भी आपको यूज करेंगे उससे पहले आपको बल्ब से, ये मेरा देखिए मार्कर, इस बल्ब से जब भी आप यूज करेंगे उससे पहले आपको बल्ब से स्टेम की तरफ क्लीन करना है। आफ्टर यूज आपको क्या, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए आफ्टर यूज आप उसको स्टेम से बल्ब की तरफ क्लीन करेंगे। अब कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं उस कंडीशन में देखिए, सबसे इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो आपका सेवलॉन होता है, 1:20 का रेशियो होता है इस कंडीशन में, ठीक है। 1 ml आप ये लेंगे तो 20 ml आपको वाटर ले लेना होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो आपका जिसका सबसे, तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर द थर्मोमीटर डिसइंफेक्शन, तो आप सेवलॉन जाएगा उस कंडीशन में। लाइजोल की मैं बात करूं, इसका रेशियो क्या होगा, 1:40, सबने बढ़ा है जनरली, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डेटोल का भी वही 1:40 का रेशियो हो गया। तो सबसे पहले एटलीस्ट कितने टाइम तक आपको डिप करना चाहिए, 5 मिनट्स तक आपको इसको डिप करना होगा। कितने टाइम के लिए? 5 मिनट्स के लिए आपको इसको डिप करना होगा, राइट। बिफोर मैंने आपको बताया कि बल्ब से स्टेम की ओर, आफ्टर यूजिंग स्टेम टू बल्ब की ओर यूज। तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा सारी चीज, ये सारे टाइप्स हम लोगों ने देखी है, और टेम्परेचर को कैसे कन्वर्जन करते हैं हम लोग उसको इजीली, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन ठीक है, जैसे डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड पूछता है, सेवलॉन लाइजोल डेटोल, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आपका लाइजोल सेवलॉन आ गया। सेवलॉन का रेशो क्या होगा, यहाँ से रेशो से पूछ सकता है कि 1:20, 1:40, 1:50, कितने टाइम के लिए आपको डिप करके रखना है इसको। एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स तक थर्मामीटर को डिप करके रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राइगर। अब नेक्स्ट हम राइगर पढ़ेंगे, ये फीवर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होंगे इसको समझने की कोशिश करिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या कैसे पूछ सकता है आगे एग्जाम क्वेश्चंस और आपसे, वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है उनको, प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की अगर नीड है तो। थैंक यू।